यहाँ देखो जरा, शक्ल देखो जरा इसकी भाई। What's up guys, welcome back to another mukbang। भाई मैं हूँ अमृतसर पंजाब में, मतलब अमृतसर से 5-10 किलोमीटर पहले हूँ। मेरे सामने से ग्रैंड ट्रंक रोड जा रही है, उसकी सर्विस लेन में खड़े होकर 9:40 पे मैं अभी ये मकबैंग कर रहा हूँ। भाई आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से हम लोग पहले हैं इंडिया में जो कुछ ऐसा ट्राई कर रहे हैं। भाई मतलब कार में मैंने मकबैंग पहले भी कर रखे हैं, बट लाइट के साथ प्रॉपर अपने छोटे से एसी कूलर के साथ पावर स्टेशन लगा रखा मैंने इस लाइट के लिए। और भाई अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। मेरे सामने है भाई इस टाइम पे अमृतसर के टॉप नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स, टॉप की उन जगहों से जो अमृतसरियों को बेहद ज़्यादा पसंद है। मैंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में पूछा था कि भाई अमृतसर में बेस्ट नॉन वेज कहाँ मिलता है, और भाई ये तीनों मेजॉरिटी में लोगों ने बताए थे। तो सबसे पहले है मक्खन फिश से मेरे पास इनकी फ्राइड सिंगारा, सिंगारा है, सिंगारा बोलते हैं। सेंटर में है भाई मेरे पास बीरा चिकन हाउस से इनका फेमस बटर चिकन, और इस साइड है मेरे पास चार्मिंग चिकन से इनका फेमस कढ़ाई चिकन। साथ में है मेरे पास थोड़े से राइस, एक फुल अनकट बटर नान, एक यहाँ चार्मिंग चिकन का इनका फेमस है ये भाई गार्लिक नान, और यहाँ है मेरे पास बीरा चिकन हाउस से इनका एक फुल अनकट बटर नान। जितने भी फूड ब्लॉगर्स हैं ना, वो इन तीनों जगहों को अमृतसर में कवर करते ही करते हैं, और हो ना हो हर किसी का ये मन तो होता होगा कि काश ये तीनों आइटम्स एक ही साथ ट्राई करने को मिल जाते तो क्या ही मज़ा आता। भाई साहब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आज परंपरा वाली कोल्ड ड्रिंक नहीं है मेरे पास, बट कोई बात नहीं। करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट इस खीरे के साथ। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स, क्योंकि यही वजह है। पहला आइटम अपना मक्खन फिश वाला से, लेट्स सी हाउ इट इज। बेहतरीन हो गया। देखो ये देख लो, क्या प्यार से टूट रहे हो भाई। भाई इधर का सीन ऐसा है कि इनका नाम इन्होंने खुद नहीं रखा, इनका नाम लोगों ने रखा है। मतलब लोग इनके आते थे, फिश खाते थे, और यही बोलते थे यार ये मक्खन की तरह मुंह में घुल जा रहा। और ये बात भाई एकदम सच है। ओए होए, इस वाली चटनी के साथ क्या ही बेहतरीन हो रही भाई है। आ हा हा, सही में एकदम मक्खन की तरह घुल जा रही हूँ, रुकने का मन तो नहीं कर रहा। आगे भी बढ़ते हैं। यह है भाई बीरा चिकन हाउस का फुल अनकट बटर नान, छोटू सा बटर नान है। प्राइस मैं आपको बताता हूँ, जितनी फिश मैंने यहाँ रख रखी है 500 की है, 490 का बटर चिकन और एक फुल अनकट बटर नान, और इधर से मैंने एक हाफ कढ़ाई चिकन, हाफ राइस, एक फुल अनकट बटर नान और एक इनका गार्लिक नान, ये सब पड़ा मुझे 730 रुपये का। बट मेरे पास 20 ही रुपये खुले था, तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है 20 ही दे दे। ओए होए होए भाई, मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे। एक तगड़ी बात मैं आपको बताता हूँ भाई, मैंने जिस किसी से पूछा कि चार्मिंग का चिकन बेटर है, ये चार्मिंग का है या फिर बीरा का, तो सब ने बीरा बोला, सब ने। देखें ज़रा बीरा का ऐसा भी क्या बटर चिकन है भाई, शक्ल देख लो। ओए होए, बीच बीच में आपको थोड़ी गाड़ियों की आवाज आएगी। मजा आ गया, एकदम मजा आ गया, कुछ भी कहो।
एक आपको मेजर डिफरेंस बताता हूँ अपने दिल्ली देहरादून में, वहाँ के एक हाफ में ना 3-4 मैक्स टू मैक्स 5 पीस मैक्सिमम बोल रहा हूँ, कोई देता नहीं है, 3 या 4 ही देते हैं वैसे। यहाँ भाई पीस ही पीस डाल रखे हैं बीरा ने भी और यहाँ चार्मिंग ने भी। और भाई ये चार्मिंग चिकन की बटर नान मुझे बेटर लग रही है अपना बीरा से। इनका कढ़ाई चिकन ट्राई करते हैं। ओए होए भाई यार शक्ल देखो ज़रा इसकी, एक प्याज की टुकड़ी रखते हैं। ओए होए वही टिपिकल जैसे कढ़ाई चिकन में जो होता ही है, प्याज कैप्सिकम डाल रखा है, ये देखो सब वही आइटम्स हैं। चार्मिंग चिकन की ना मैं आपको एक खास बात बताता हूँ, इसमें जो ये चिकन पीसेस डालते हैं ना, ये भाई तंदूर किए हुए नहीं होते हैं। ये बहुत एक नोटिस करने वाली चीज़ है, और अगर आपने नोटिस कर लो तो दूसरों को बताने वाली भी चीज़ है कि ये अपने पीसेस को तंदूर नहीं करते हैं भाई, मैरिनेट करते हैं, थोड़ा पकाते हैं और एज इट इज़ देते हैं। ये भाई इनका गार्लिक नान, इसमें लोग गार्लिक नहीं डालते हैं बल्कि गार्लिक का मसाला डालते हैं। अब डिफरेंस ये होता है कि तंदूर किए हुए पीसेज ना ड्राई हो जाते हैं, कभी आप तंदूरी चिकन खाना तो उसके साथ चटनी मिलती है ना, वो इसलिए दी जाती है क्योंकि अगर वो आप एज इट इज़ खाओगे ना तो बहुत ड्राई होगा। मैं पहली बार कर रहा हूँ गाड़ी में मकबैंग ऐसे, तो मुझे नहीं पता ये पास होगा फेल होगा, हो सकता है इसकी हवा मेरे माइक में आ रही हो डायरेक्ट और मेरा ऑडियो बिल्कुल भी ना आ रहा हो। बट भाई ये ना हो तो हाल खराब हो जाएगी। अब भाई मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं आ रहा है, रुको मैं कुछ एक बाइट और मानना है फिर मैं बताता हूँ आपको मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। यहाँ देखो जरा शक्ल देखो जरा इसकी भाई, मुझे नहीं पता यार ऐसा क्या है या आज बीरा ने कुछ गलती कर दी है अपने उसमें। बट मुझे चार्मिंग का ज़्यादा अच्छा लग रहा है और उसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं, जैसे कि ये हो सकता है कि अपना जो कढ़ाई चिकन है बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है और उतने फ्लेवर्स के सामने मुझे बटर चिकन के फ्लेवर अच्छे नहीं लग रहे हैं। दियो मत। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो बीरा का चिकन है ना भाई बटर चिकन, यह है एकदम देसी ढाबे स्टाइल में, मतलब होता है ना कि ग्रेवी पतली ग्रेवी होती है यह है वैसा, और अपना चार्मिंग का है एकदम थिक गाढ़ी ग्रेवी। वो भी एक कारण हो सकता है, बट जो भी है मुझे चार्मिंग का ज़्यादा अच्छा लग रहा है आज, वो भी अच्छा है लेकिन बेटर ही हो रहा है। डेफिनेटली एक मिनट, अब मैं आपको बता देता हूँ अमृतसर की बातें।
मैं फ्राइडे को आ गया था और आज संडे है, और इस दौरान मेरे डेली व्लॉग्स जा रहे हैं भाई अमृतसर में, जो जो कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, उन सब के व्लॉग्स आ रहे हैं डेली। इसको बढ़ो ऐसा, जी वाह जी वाह। और मैंने यहाँ का खाना कवर कर लिया है, वाघा बॉर्डर कवर कर लिया है, बहुत सी ऐसी चीज़ें कवर कर रही हैं जो आपको देखने में डेफिनेटली मज़ा आएगा। तो जिस किसी ने व्लॉग नहीं देखे हैं कृपया करके देख लेना, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, प्लस मुझे थोड़ा सा सपोर्ट भी मिल जाएगा। यहाँ से डाल देते हैं भाई चिकन। मेरे पास और पड़ा है, दोनों की क्वांटिटी मेरे पास और पड़ी है, बट भाई अभी उनको खोलने में लग जाएगा टाइम और बहुत इधर उधर करनी पड़ेंगी चीज़ें, तो इसलिए मिक्सी कर लेते हैं। समझ ही सकते हो आपकी पीछे होती कितनी जगह है, उसमें ऐसे मैनेज करना। अमृतसर से 5-10 किलोमीटर में पहले आ रखा हूँ जस्ट ये मकबैंग करने के लिए, ताकि मेरे को शांति मिले, अमृतसर में नहीं मिल पाती यार। ऐसे पैर करके खा लो, प्लीज़ जज मत करना, बट मेरा पैर सो गया, ऐसे सिमट के बैठ रखा हूँ ना मैं, तो पैर सो गया। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि रात के इस टाइम पे मकबैंग कर रहा हूँ इधर आके, ताकि आप लोगों के लिए मैं अलग अलग जगहों का जायका टेस्ट कर पाऊँ और आपको बता पाऊँ कि कैसे है। तो भाई इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करना तो देखो बनता है, पहली बार बोल रहा हूँ मैं लाइक करना वगैरह, अदरवाइज मैं बोलता नहीं था, बट इस मेहनत के लिए तो बनता है। और हाँ, इस पूरी इसका श्रेय जाता है भानु भैया को, भानु भैया का ही ये बेसिकली आइडिया था कि तू एक काम कर, तू अब ट्रैवल कर, और ट्रैवल करते करते अपनी गाड़ी में ही सेटअप कर, और गाड़ी में ही मकबैंग कर। सो ऑल क्रेडिट गोज टू भानु भैया। थैंक्स अ लॉट भानु भैया इतना बेहतरीन आइडिया देने के लिए। वरना गर्मा गर्म अमृतसर का खाना मैं अपने मकबैंग में कैसे ही दिखा पाता भाई। छोटी सी बात ये है मेन कि कार मकबैंग अपने छोटे होंगे। खाने की क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि घर में तो ऐसा रहता है कि चलो घर वाले खा लेंगे, नहीं तो अगले दिन मैं ही खा लूँगा। ट्रैवल करते टाइम ये मुमकिन नहीं है। अपना एक टोल भी क्रॉस किया है मैंने आज। अभी वापसी में दोबारा से टोल क्रॉस करना पड़ेगा। खैर एनीवे, इट इज वर्थ इट। देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑनेस्टली बताऊँगा, टेस्ट के मज़े फुल ले रहा हूँ, बट मैं अभी इन्जॉय नहीं कर पा रहा हूँ, समझ रहा हूँ। और ये इनिशियली एक दो कार मकबैंग में होगा, क्योंकि इस टाइम पे मेरे दिमाग में 100 अलग अलग चीज़ें चल रही हैं भाई। ये सारा सामान वापस रखना है, बाहर एकदम सुनसान है, पिच डार्क है भाई, पिच डार्क। ये बर्तन बाहर उतर के मेरे को छानने हैं, इतना सब कुछ रखा हुआ है गाड़ी में, गाड़ी में हिलने की जगह नहीं है। पहले यहाँ से गाड़ी ऑन करूँगा, गाड़ी की सारी लाइटें ऑन करूँगा, जब एकदम मेरा देख लूँगा आजू बाजू कोई नहीं है, तब दरवाज़ा खोल के बर्तन छालूँगा फटाफट, पॉली बैग में डालूँगा, होटल जाके धोऊँगा। ये सारा का सारा खाने का जो सामान बच रखा है ये होटल वालों को दूंगा, क्योंकि कल मंडे है, मंडे को मैं नहीं खा सकता।
तो ये सब बातें अभी मेरे दिमाग में चल रही हैं। बट एनीवे तीनों ही आइटम बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। थोड़ा सा ये कढ़ाई चिकन अपना चार्मिंग चिकन का थोड़ा सा आगे निकल गया, उसके मैंने आपको रीजंस बता ही दिया। बट एक चीज़ जो दोनों में कॉमन थी वो थी क्वांटिटी, बेहतरीन क्वांटिटी भाई, पीस ही पीस डाल रखे, मज़ा आ गया। फिश खा लेता हूँ, मुझे मकबैंग की घर के आदत है ना कि खाओ वॉक करो और स्ट्रेस फ्री रहते हो कि आप पे बेड है। मेरे लिए फर्स्ट था कढ़ाई चिकन चार्मिंग से, सेकंड था बटर चिकन बीरा से, और एंड में थी अपनी फिश। फिश एक्सेप्शनल थी भाई, ट्रस्ट में एक्सेप्शनल थी। थर्ड पोजीशन मैं पर्सनल पर्सपेक्टिव वाले उससे दे रहा हूँ क्योंकि मुझे फ़िश नहीं पसंद, बट अगर आप लोगों को फ़िश पसंद है तो भाई इससे बेटर फिश मैंने आज तक लाइफ में नहीं खाई, इतना मैं आपको बता दूँ। मैं आपको अंधेरा दिखाने की कोशिश करता हूँ, जरा रुको, आपको थोड़ा आइडिया होगा। ये हो गया पिच डार्क, पिच डार्क भाई, इस साइड भी देख लो, पिच डार्क, दूर दूर से हाईवे की लाइट आ रही है हल्की फुल्की, अदर देन दैट कुछ नहीं दिख रहा है भाई, आगे कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसे सिचुएशन में यहाँ बाहर उतरना, बर्तन धोना, सब कुछ समेटना, फिर वापस 10-15 किलोमीटर होटल में जाना, तब जाके मेरे लिए इस वीडियो की मेहनत ख़त्म होगी। हाँ, बचपन की याद आ गया। आज की वीडियो में मज़ा आ गया, इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने में मज़ा आ गया, उद्घाटन हुआ है आज इसका भाई। आई जस्ट होप कि अपनी इस मकबैंग ऑन व्हील्स की जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी चले और आप इसको उतना ही प्यार दो जितना आप मेरे नॉर्मल रेगुलर मकबैंग्स को देते हो। बाकी यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड आई विल कैच यू गाइस ऑन टू द नेक्स्ट वन। पीस।